देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पिछले 40 दिनों तो धरना लगाई बैठे सिख जथेबंदियां जिहड़ियां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूपां की जानकारी जनतक करन लई श्रोमणी कमेटी के दफ्तर के बाहर बैठियां सन। कल उन्होंने विचकार और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विचकार टकराव हो गया जिस दे विच कई लोग जख्मी भी हो गए। उस घटना तो बाद मेरे नाल इस वेले मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल। सर घटना हुई की सी, की कहना चाहोगे? देखो एक घटना बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जो कि श्री दरबार साहब के गलियारे हुई है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के घटना वापरी है क्योंकि जिम्मे तुम गल की कि पिछले 40 दिनों तो लैके जी सत्कार कमेटियों वालों एक धरना दिता गया सी गुरु महादेव पावन स्वरूपों के वास्ते। उन्होंने असी बड़ा बैठ के गलबात भी की उन्होंने आ भी धरना ना दो क्योंकि ये एक रूहानियत का केंद्र है। इतने नानक नाम लेवा संगत जी है शांति प्राप्त करने वास्ते आती है, गुरबाणी पढ़ने वास्ते दर्शन करने वास्ते आती है। कोई धरने प्रदर्शन का थान नहीं हैगा, तुम बैठे गल करो। असं बड़ा सहयोग दिता, असं नहीं चाहते सी कोई टकराव हो जा कोई ऐसी माड़ी घटना वापरे, लेकिन वो गल्ला भी कर जाते बाहर जाके फिर मुकर जाते लेकिन किसी किस्म के आ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पिछे कोई होर बड़िया शक्तियां लगिया सन। उन्होंने एक दुकान जी है चलाई हुई है कि क्योंकि पैसे बाहर अंदर उन्होंने मुकने आने इस गल के जो इस तरह काम करते जो सो वो नहीं चाहते सी कि इतों उठा जाए। सो असी सारा उन्होंने कहा कि थान भी दिता, लंगर भी दिता, रहायश भी दी, लेकिन टकराव ना करो, बैठ के साथ गल करके मसला इन गल मुकाओ। लेकिन कल ऐसी अचानक घटना जी है वह वापर गई। तेजा सिंह समुद्री हाल के सामने जो सा गेट है और उन्होंने सुखजीत खोसा ने जोड़ा से उन्होंने जिंदरा ला दिता तो छोटे गेट के आ बैठ गया। एक बजे का टाइम से जो कि सारे कर्मचारी लंगर छकन वास्ते जाते हैं लेकिन उन्होंने किया भी सानू रास्ता छड़ दो, असी बाहर लंगर छकन वास्ते जाना है। लेकिन उत्थे तकरार हो गया, नहीं उठते सी तकरार उहदे तकरार दे नाल दे नाल दे जिहड़े साथी सी उह उठ के कृपाना कढ के उह हमला करता, उन्होंने साडे सेवादारां उत्ते हमला करता, बहुत सारे जख्मी हो गए साडे सेवादार। एक दे मोढ़े ते बहुत बड़ा जख्म हो गया, वह जिहड़ा सी फौजी सिंह सी जिहड़ा धर्मी फौजी सी उहदे चार उहदे लग गया, पांच चार होर हो गए। इस तों इलावा साडे सकत्तर सी जिहड़े एडिशनल सकत्तर सुखदेव सिंह उहदी गड्डी ते हमला करता, उह सारी गड्डी ते शीशे भन्न दित्ते और उहदा जो ड्राइवर सी उहदे पेट च वी उहने कृपान मारी, अंदरां जिहड़ियां सी कट्टियां गईआं, अज वी उह बड़ा गंभीर हालत दे विच हस्पताल च दाखल हैगा। सो इस तरह की घटना वापरी, साडे तां बंदिआं ने बड़ी दलेरी दे नाल उहनां कृपाना वी खोहीआं ने, उहनां बंदिआं नूं फड़िया वी है, फड़ के वी रख्या तां कि वध कोई ज्यादा नुकसान ना हो सके। प्रधान जी देखिआ जाए जिहड़ी श्रोमणी कमेटी की टास्क फोर्स है जो देखण च आया सीगा उस टाइम टास्क फोर्स ने हमला करन दा आप उन्होंने रोकण दा और जिहड़ियां कृपाना या तलवारां चलीआं सीगीआं उन्होंने वल्लों चलाईआं टास्क फोर्स ने जदों उन्होंने कार्रवाई की है उदों यह घटना हो गई हो गया कि लोग जख्मी हो गए। नहीं टास्क फोर्स तो सिर्फ रोकती सी, वह तलवारा कढ के हमला करते सी, मैं तलवारां दी खुंद दा यतन किया, उन्होंने उन्होंने फड़न दा भी यतन किया ताकि किसी का नुकसान ना हो। टास्क फोर्स ने साडे बड़ी दलेरी नाल सारा इस चीज़ पर काबू पाया, उन्होंने फड़िया भी है और काफ़ी बंदे फड़ के इतने अंदर रखे, फिर बाद च पुछ भी दिते ने और जिहड़े जिहड़े बंदिआं ने यह हमले किए सी साडे सकत्तर साहब तो उन्होंने FIR दर्ज कराई है भी आह बंदे ने दोषी ने जिन्होंने ये हमला किया और उन्होंने फड़ के बंदे भी उन्होंने देते भी आह बंदे असीं तुहाडे वाले करदे आ भी इन्होंने हमला किया। लेकिन दुख की गल यह है कि पुलिस ने सारे उस वे छड़े थे, वो अज भी इतने दंद लाते तुरे फिरते हैं दरबार साहब चुरे तुरे फिरते हैं। सत्त बंदे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने अधीन लए सीगे जो फड़ के अंदर लै गए, पांच घंटे तुहाडे कोल हिरासत च ही रहे ने, तुहाडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हिरासत च रहे, बाद चो पुलिस जरूर लैके गई है, जानबारी उन्होंने हालात देखने वाले सके, क्या यहो जो टकराव हो गया सीगा कि उन्होंने हालात इस तरह के हो गए कि बाद चो आके श्रोमणी कमेटी के दफ्तर आए ने, श्रोमणी कमेटी ने उन्होंने सेवा चंगी तरह की है तो हालात हो गए? जी श्रोमणी कमेटी ने सिर्फ उन्होंने फड़े ही है ताकि ज़्यादा हमला ना कर सकन, उन्होंने कृपाना भी खोही उन्होंने वो फड़ के अंदर रखेगा, डकिया इतने अंदर रखता ताकि उसके बाद पुलिस के हवाले कर देते ताकि हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है सारी टास्क फोर्स ने। यह नहीं है कि असी उन्होंने हमला किया, अभी तो सब उन्हें हमला ही रोकेगा।
श्री अकाल तख्त साहब तो आदेश होया सीगा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते जिहड़ी संगत सामने बैठी है इन्हां नाल बैठ के गल कर ली जाए। क्या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुसीं बतौर प्रधान सिर्फ यही वेट कर रहे सी कि इहो जी घटना हो गए फिर ही कोई गलबात इन्हां नाल कीती जाए? बिल्कुल, साडी तां हमेशा घटना असीं नहीं चाहुंदे सी। असीं जे इह करना दा टकराव पहलां वी कर सकदे सी, 40 दिन हो गए जदों मर्जी कर सकदे सी, उठा भी सकदे सी, एड्डी किड्डी सी साडे कोल फोर्स भी सी, सब कुछ सी, लेकिन असीं नहीं चाहुंदे सी वी टकराव होए, गलबात नाल ही मसला हल हो के इत्थे चले जान। लेकिन उन्हां दी मनसा नहीं सी, वो चाहते थे कि इतने टकराव हो, इतने लड़ाई हो, तो उन्होंने मनसा ही सी। कह दो कि वो चाहते थे, उन्होंने मन च है कि टकराव हो, क्या तुम समझते हो उन्होंने पिछे कोई ताकत है या जो इन्हों को करवा रही है? क्योंकि किसी की एड्डी गलत नहीं है कि कोई इस तरह टकराव करे, 40 दिन तो बैठे ने, वो भी बैठे शांतमई तरीके। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सच्चाई है कि पिछे और बड़ी ताकत लगिया हुई ने, ये कि एजेंसिया ने और पंजाब सरकार भी है। उन्हें बार बार असी चिट्ठिया लिखते सी साडे सैकटरी भी इन्हां कोल बड़े मारू हथियार ने जी, ये किसी टाइम भी इतने हमला हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, भी तुसीं इन्हां नाल गलबात करके इन्हां नूं इत्थे उठाओ, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिता। मतलब सरकार ने तुम क्या इन्हों को हथियार है ने, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिता सरकार, तुम समझते हो कि अनगहली सरकार भी है, कोई कारण लगता है? बिल्कुल, सरकार भी अनगहली नहीं, सरकार भी जान बुझ के काम कर रही है ताकि टकराव हो, सिख बदनाम हो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बदनाम हो, यही मनसा है सरकार की। रूहानियत का केंद्र है, दूरों दूरों पूरी दुनिया चो लोग इतने आते हैं नतमस्तक होने लिए आते हैं, शांति का संदेश लेंदे ने और अगे जाके भी देंदे ने। कल जी घटना होगी उस तो पहले भी घटना यहो जी हुई ने, क्या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनू अगे अगे फ्यूचर से यहो जी कोई गल ना हो, किसी का इस तरह नुकसान ना हो, घटना कोई ना हो, कोई यहो जे कदम उठाने बारे सोच रही है जी? बिल्कुल, असं अगे तो चाहते हैं भी बड़ी सख्ती पेश आवेंगे, असं नहीं चाहवे कि इतने कोई धरना दे प्रदर्शन करे और उन्हें किसी ने आग्ञा नहीं देवे इस तरह की करने की अगे तो, ताकि कोई घटना मारी घटना वापरे। सो इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी, कल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सत्कार कमेटी के टकराव होया जिस कई लोग जख्मी हो गए हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सत्कार कमेटी के वो जानकारी दे रहे थे इस घटना के किसी वड्डी ताकत का हाथ है जिसने इस पिछे इन्होंने सत्कार कमेटी शह दी है और हमला करवाया है, और इस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हूँ अगह तो फ्यूचर के कहोजी घटना हो ना हो ना वापरन इस बारे कदम चुकेगी और यही काम जरा कि किसी को इजाजत नहीं देगी इस तरह इतने धरने लगाने की कि कोई यहोजी स्थिति आए तो यहोजा कोई टकराव हो सके। कैमरा परसन विपन के नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।